आई एम हर्षिका एंड आई एम हियर बैक एंड होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं एक्चुअली घूम कर आई थी, तो उसके मैंने मे बी 2 or 3 ब्लॉग तो डाल दिए थे। और एक अमृतसर का जो मेरा पूरा टूर था, अमृतसर का जो मैंने पूरा दिन जैसे मैंने गुजारा था, तो उसका मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो वो दिन बहुत हैक्टिक भी था। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे नींद की कमी से या जैसे बहुत फटाफट कॉन्स्टेंटली ना जर्नी हो रही थी हमारी, तो इसमें भी इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था और मेरा बीपी भी लो हो गया था। तो मुझे लाइक वॉमिट वगैरह कॉन्टीन्यूसली वॉमिट हो रही थी और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जैसे मैंने अपना ड्रेस वगैरह जो रखा था, आपको पता है मैं साड़ी पहनने वाली थी, जैसे मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में डाला है इसमें देखना आप, तो मैंने साड़ी रखी थी लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी और मैंने वही जो अपना ड्रेस था एक टॉप और एक बेल बॉटम रिप कर वियर किया था। तो उस दिन मुझे जैसे हम गुरुद्वारे गए, हम इसे गोल्डन टेम्पल गए, तो वहाँ भी मुझे कॉन्टीन्यूसली वॉमिटिंग हो रही थी, तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने लंगर लिया, लंगर के बाद में मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, कम्फर्ट फील हुआ, उसके बाद से मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था। तो उसके पहले का तो रिकॉर्ड में कुछ कर ही नहीं पाई थी, लाइक मॉर्निंग टू अमृतसर टेम्पल जब तक हमने लंगर लिया तब तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसके बाद की रिकॉर्डिंग करी थी। तो जो मैंने पूरा जो मार्केट जो मैंने घूमा था और जो शॉपिंग की थी, तो उसका मैं आज व्लॉग लेके आई हूँ। तो वो व्लॉग आप ज़रूर देखना और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो सेकंड व्लॉग है, सेकंड पार्ट है, वो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी, लेकिन अभी आज मैं क्योंकि बहुत कुछ हमने उस दिन किया था तो मैं आधा ही व्लॉग बना पाई हूँ उन सब वीडियोस में से, क्योंकि उनको पता है एडिट करना वगैरह बहुत लंबा काम हो जाता है। तो आज मैं हाफ व्लॉग लेकर आ रही हूँ और जो नेक्स्ट हाफ जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि जल्दी एडिट करके उसको भी पोस्ट कर पाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और ये स्लीपर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसी मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत देखी है, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे कुछ चप्पल भी ले लूँ, बहुत सुंदर है इसी ऐसी भी है। और कुछ वहाँ पे ना लग भी रही है, दिखाती हुई देखी कितनी सुंदर है। अब देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ पहले, उसके बाद बताती हूँ कि कौन सी वाली लूँगी। इंस्ट्रूमेंट की शॉप है, ढोल तो मेजरली जो अभी मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पर ना शूज़ और स्लीपर्स की शॉप से ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर एक और शॉप दिख रही जहाँ पर सेल चल रही थी और यू कैन ऑल्सो सी कि यार इतने प्रिटी प्रिटी कलर्स है बेलीज में और स्लीपर्स में कि मनी नहीं भर रहा कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। क्या स्लीपर लूँ क्या? चिकू के पैर बड़े हो रहे हैं ना, फिर हम चिकू के लिए कुछ देखते हैं। यहाँ पर टिशू के लिए लिए 100 रुपीज़ में टी शर्ट्स दो, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी 100 रुपीज़ की टी शर्ट्स की यहाँ बच्चों की। अब हम जाएं यहाँ पे देखते हैं, फुलकारी का है ये शॉप, खालसा कलेक्शन बोल रहे हैं, यहाँ देखेंगे। लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट प्लेस पे बहुत सस्ते कपड़े और बार्गेनिंग अच्छी होती है, बट यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं है। अपन अगर जहाँ रहते हैं वहाँ से जो लोकल मार्केट में अपन चीज़ें खरीदते हैं ना, उससे तो महंगा ही है यहाँ पर सब कुछ मोस्टली। ऐसा कोई सस्ता खास सस्ता कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो आगे चलो, जिस रेडी खाते हैं इसमें दे दूँ छोटा? नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए। मिल जाएगा 100 रुपये का। ये कितने के? 1000 रुपये के। कितने के? अदर वे है, अरे भी चल 2-4 है ना भाई। 100 का, 100 का। ओ रास्ता चढ़ दे यार बच्चों। देखते
सिर्फ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करी है। अब एक्चुअली में यहाँ पर एक बहुत तो फेमस लस्सी है, तो हम उस लस्सी की शॉप ढूंढते ढूंढते आ गए हैं बहुत आगे, तो वह लस्सी खाएंगे। हमने यहाँ का फेमस कुलचा खाया है और लंगर खाया है और अब लस्सी पियेंगे। अब देखते हैं, ये है मेरे पति और बच्चे, आपको दिखी है। यहाँ का मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, सब मतलब एक्सट्रीम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत अच्छा है। मतलब शॉपिंग करने निकलो ना आप तो आप यहाँ पागल हो जाओ। क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे सब ऊपर से जाता है। इतने सुंदर सूट पीस है यहाँ पर रेडीमेड और बहुत ही सस्ते सस्ते। नाम क्या है इसका? रफ्तार। ओ रफ्तार, देख देख रोड रोड आ गया रफ्तार। हमको इतना सुंदर पैट मिला है यहाँ पे, उसका नाम है रफ्तार। बहुत सुंदर नाम भी सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर था। पता नहीं कब आएगा हमारा लस्सी। मुझे लग रहा है हम कहीं अमृतसर क्रॉस नहीं कर ले लस्सी के लिए। आ गई कहाँ है? फाइनली हम पहुंच गए हैं। क्या नाम है इसका? जियानी, जियान, जियान पंजाबी लस्सी। ओके, सो नाउ वी हैव रीच्ड ऑन जियान पंजाबी लस्सी। हमें पियेंगे और मैं बताऊंगी आपको कैसा है। उसके बाद में बहुत सारी शॉपिंग भी करी है हमने, मैं दिखाऊंगी आपको। दीपक ऑर्डर दे दे एक बार लस्सी का। एंड दैट्स माय लस्सी, दी फेमस लस्सी। ठीक है, देखते कैसी है। शुभ एक उठ तो पी ले। मैं यहाँ पे हाफ ऑफ ग्लास भी फिनिश नहीं कर पाई और ये है इन्होंने वन ग्लास पीने के बाद इतना बड़ा और मेरा हाफ ग्लास भी फिनिश कर। कैसा फील हो रहा है आपको बड़े बड़े ग्लास पीने के बाद?
अच्छा है, इनको पीना भी चाहिए क्योंकि मेरा सामान तो ये उठाने वाले है। जो भी लड़की की जींस सब्जियां दी लस्सी वापस, तो हमको थोड़ी देर के लिए ही स्टे करना है क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हमारी बस है रिटर्न की। मैंने कुछ शॉपिंग की थी तो यहाँ दीपक ने बोला है कि चलो शॉपिंग तो ठीक है लेकिन अभी अभी सामान को सूटकेस में डाल देते हैं, मतलब कुछ छूट नहीं जाए यहाँ पे, तो हम वही डलवा रहे हैं चीज़ें। बॉटल से हो गया, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है भी लगा मेरे को। छोड़ो यार, ऐसे डांटा मत करो, ये इंसान मेरे को हर वक्त डांटता रहता है। इशू दिशू अगर कांच की बेड पे लगी तो लग जाए बेटा, और कुछ ये तो डाल दो अंदर, इसके बाहर वाली चेन में डाल दो। ये होटल का व्यू दिखाती हूँ, सुंदर होटल ये होटल है, ये रिसेप्शन है, और ये हमारे यहाँ पे काउच काउच है बैठने का, बहुत सुंदर पिंक कलर का। अब मैं चला लूँ? हाँ अभी दे, अब हम यहाँ बैठे थोड़ी देर वेट करेंगे हमारी रिटर्न की बस का, फिर हम निकलेंगे। बात की तो सुंदर थी कुछ तो अच्छा, अभी अपन बस का वेट करेंगे, अपन खरीदेंगे ही नहीं तो। ओके अब समझा। अरे बाद में